हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फोर बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन वन। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। यहाँ पे कौन से ओपन है और कौन से क्लोज कर्व है वो हमें लिखना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जेड, ये है ओपन कर्व, ये है ओपन कर्व, और ये कहीं से भी ओपन हमें लग रहा नहीं है, सो ये है क्लोज्ड कर्व्स। और ये यहाँ से ओपन है तो ये आएगा ओपन कर्व्स। ये आपको दिखाई दे रहा है कहीं से ओपन नहीं है, सो ये है क्लोज कर्व। और ये भी कहीं से हमें ओपन लग रहा नहीं है, सो ये भी है क्लोज कर्व। सबसे इजी था ना। हाँ, उसके बाद देखो, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग्स। हमें यहाँ पे ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व ड्रॉ करना है। तो आप ओपन कर्व, हमें एग्जांपल ऊपर ही मिल दिखाई दे रहा है, ये ओपन कर्व है, ये भी ओपन कर्व, ये आप दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। और क्लोज कर्व तो ये आपको करना है, ठीक है। और क्लोज कर्व में ये है, ये है, ये फिगर है, ये तीनों फिगर है, कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देन क्वेश्चन थ्री है, ड्रॉ एनी पॉलीजन एंड सेड इट्स इंटीरियर। यहाँ पे क्या है, ड्रॉ एनी पॉलीजन ड्रॉ करना है एंड सेड इट इंटीरियर, उसका अंदर का जो पार्ट है वो हमें शेडेड करना है। सो चलो लिखो आंसर, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द पॉलीजन आर इन इट्स इंटीरियर। ये हमने पॉलीजन ड्रॉ किया और उसके अंदर का पार्ट हमें ऐसे शेडेड करना है। समझ में आया, ऐसे ड्रॉ किया और उसके अंदर का पार्ट ऐसे सेट करना है, हमारा आंसर हो गया। इतना ही था, समझ में आया ना, इजी है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे जो फिगर है उस पर से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इज इट अ क्रव, क्या ये क्रव है? सो यस, इट इज़ अ क्रव बिकॉज इट इज ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेन पेंसिल। सो ये क्रव है बिकॉज इट इज ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड पेंसिल। सो चलो लिखो आंसर, यस इट इज अ क्रव बिकॉज इट इज ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेन पेंसिल। नेक्स्ट भी है, इट इज क्लोज्ड। आपको क्लोज दिखाई दे, कहीं से ओपन तो हम, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यस इट इज अ क्लोज कर्व बिकॉज इट एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो लिखो आंसर, यस इट इज अ क्लोज कर्व बिकॉज इट एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहीं पे वो उसका एंड पॉइंट भी वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ अ रफ डायग्राम। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीजन। क्लोज कर्व है बट पॉलीजन नहीं है, सो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। देखो ये जो फिगर है ये कहीं से ओपन नहीं है, ये क्लोज है। हमें क्या पूछा है, क्लोज कर्व बट पॉलीजन नहीं होना चाहिए। देखो, दिस इज अ क्लोज कर्व इज नॉट अ पॉलीजन, ये पॉलीजन नहीं है। सिंस इट इज नॉट मेड बाय ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये किसी लाइन सेगमेंट से हमने ड्रॉ नहीं किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर समझ में आया, दिस इज अ क्लोज कर्व होना चाहिए और पॉलीजन नहीं होना चाहिए। सो ये ऐसे ड्रॉ करोगे, ये कहीं से भी क्लोज कर्व नहीं है। दिस क्लोज कर्व इज नॉट अ पॉलीजन सिंस इट इज नॉट मेड बाय लाइन सेगमेंट, ये किसी लाइन सेगमेंट से हमने ड्रॉ नहीं किया है। उसके बाद बी देखो, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का यूज करके हमें ओपन कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है चलो। सो देखो ये लाइन से ड्रॉ किया है और ये ओपन है यहाँ से, है। सो दिस इज एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ओके। देन नेक्स्ट देखो सी, सी क्या है, अ पॉलीजन विथ टू साइड्स, अ पॉलीजन विथ टू साइड्स।
जो पॉलीजन की दो साइड्स हो वैसा हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो लिखो आंसर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ पॉलीजन ऑफ टू साइड्स। पॉलीजन ऑफ जिसकी दो साइड्स हो वैसा हम ड्रॉ पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना। अ पॉलीजन मस्ट है एट लीस्ट थ्री साइड। एट लीस्ट पॉलीजन की कितनी साइड है? थ्री साइड। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ पॉलीजन ऑफ टू साइड्स। अ पॉलीजन मस्ट हैव एट लीस्ट थ्री साइड। ओके, समझ में आया? सो टुडे योर होमवर्क इज वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ओके, थैंक यू।